बीवी के साथ बदलते भारत की शान। देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, क्या रहेगी तापमान की स्थिति, उन सब पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आज की पांच बड़ी खबरों में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पांच बड़ी खबरों में तो हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, कुछ इस तरीके का रहने वाला है हिमाचल प्रदेश का हाल। और उत्तराखंड की बात करें तो गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की यहां पर संभावना जताई जा रही है। पांच बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात करें अगर झारखंड की तो यहां पर गरज और चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया जा रहा है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। यहां इक्का दुक्का इलाकों में ओले पड़ने के आसार हैं, कुछ इस तरीके का रहने वाला है मध्य प्रदेश का मौसम का हाल। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर छिटपुट हिस्सों में ओले पड़ सकते हैं। ये हम आपको पांच बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है पांच बड़ी खबरों में मौसम का हाल। और अब रुक कर लेते हैं मौसम अलर्ट का, यानी कहाँ पर नजर बनाए रखनी है और कहाँ पर चेतावनी जारी नहीं की गई है। बात अगर हम करें नज़र बनाए रखने के लिए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये वो राज्य हैं जहां पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और साथ ही यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ तेज़ हवाएँ चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। ये आप लगातार देखें, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का यही हाल रहने वाला है। गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी और बारिश हो सकती है। और बाकी जो अन्य राज्य हैं वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जहाँ नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है वो राज्य आपने देखे अपनी टीवी स्क्रीन पर। और अब हम रुक कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान का, यानी 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, कहां बारिश हो सकती है और कहां बादल कम बरसेंगे। तो आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात हो सकती है। ये वो दो राज्य हैं जहां पर कई जगह बरसात हो सकती है। और कहीं कहीं बारिश की जो संभावना जताई जा रही है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और बाकी के जो अन्य राज्य, पंजाब, हरियाणा, यहां पर बरसात की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है, यानी कि यहां पर बारिश नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मौसम का पूर्वानुमान इन राज्यों में। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल की। अगर हम यहां की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है इन राज्यों में। लेकिन अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो वहां पर भी यही है कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उपमाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और जो पूर्वोत्तर के अन्य राज्य हैं वहां पर बारिश की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। और अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश। अगर हम इन राज्यों की बात करें तो यहाँ पर बरसात नहीं है, यानी यहाँ बारिश दर्ज नहीं की गई है। और बात करें तमिलनाडु और पुडुचेरी की तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। और बाकी के जो राज्य, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन, दीव, मध्य महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां पर बारिश दर्ज नहीं की गई है, यानी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई जा रही है। और अब रुक कर लेते हैं मौसम की चाल का, यानी कि जो पिछले 24 घंटे हैं वहां पर कहां का, उसमें कहां कहां बारिश हुई है, किन किन राज्यों में, चलिए उसका रुख कर लेते हैं। बात करते हैं अगर हम गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, तो यहाँ पर बर्फबारी भी हुई है और साथ ही बारिश भी हुई है। तो ये वो राज्य हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है और बर्फबारी हुई है लगातार। लेह, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और ये गिलगित, ये आप देख सकते हैं। और आगे बढ़े, बात कर लेते हैं हम बिहार, झारखंड की, तो यहाँ पर भी लगातार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। उपमाले पश्चिम बंगाल में भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही हम पूर्वोत्तर के राज्यों की भी बात करें तो यहाँ पर भी त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो बर्फबारी भी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। और तमिलनाडु में, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भी पिछले 24 घंटे में जो है वो बारिश दर्ज की गई है। तो कुछ इस तरीके का जो है पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल रही है, मौसम कुछ इस तरीके का रहा है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में
अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर जो है पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, कुछ इस तरीके की मौसम की चाल रही है इन दो राज्यों में। पिछले 24 घंटों में यहाँ बारिश दर्ज की गई है, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये दो वो राज्य हैं जहाँ पर बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में। तो चलिए अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता क्या कुछ कह रही है प्रमुख शहरों की, उसको देख लेते हैं, वायु गुणवत्ता का रुख कर लेते हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करें वायु गुणवत्ता में, तो चलिए आपको बताते हैं हम दिल्ली की बात। दिल्ली में 216 गुणवत्ता सूचकांक जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि थोड़ी ख़राब श्रेणी में दर्ज की गई है दिल्ली की वायु गुणवत्ता। और अगर हम आगे बात करें लखनऊ की, तो 130 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है, यानी यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में नापी गई है। पटना की बात करें तो 149 यहाँ का गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। रुख करते हैं अगले शहर का, बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु में 112 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अगले शहर का रुख कर लेते हैं, बात करते हैं पुणे की, तो पुणे जो है, पुणे में 147 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि काफी संतोषजनक श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो 102 गुणवत्ता सूचकांक आप देख सकते हैं, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। और अगले शहर का अगर हम रुख करते हैं इसके बाद कोलकाता का, तो 146 गुणवत्ता सूचकांक जो है वो दिखाया जा रहा है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। बात कर लेते हैं आगे मुंबई की, मुंबई में 155 गुणवत्ता सूचकांक जो है वो दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है, यानी यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करें, गुजरात का अहमदाबाद प्रमुख शहर है, 123 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, यहाँ की वायु गुणवत्ता जो है वो संतोषजनक स्थिति में है। और चलिए अब पर्यटन पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं, पर्यटन स्थलों के प्रमुख शहरों का क्या तापमान और मौसम रहने वाला है। आप देखिए श्रीनगर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, इन तीनों ही दिन यहाँ पर थोड़ी धूप, थोड़े बादल रहेंगे, लेकिन शुक्रवार को बारिश हो सकती है, तो थोड़ा आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और अधिकतम तापमान 10 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। न्यूनतम की बात करें तो लगातार चारों ही दिन जो है न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है, कुछ ऐसा रहेगा यहाँ का तापमान और मौसम। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो अगर मंगलवार को आप देखें तो मौसम रहेगा थोड़ा धूप, थोड़े बादल रहेंगे, बुधवार चटक धूप खिली रहेगी दिल्ली में, गुरुवार को भी मौसम जो है थोड़े धूप, थोड़े बादल, थोड़ा मिक्स रहेगा, और शुक्रवार की बात करें तो यहाँ पर जो है तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बिजली और जो है साथ में बादल हैं। साथ ही अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री पर बना हुआ है। बात करें प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, तो आप देख सकते हैं मंगलवार को यहाँ बारिश हो सकती है, बुधवार गुरुवार को चटक धूप खिली रहेगी, और शुक्रवार की बात करें तो मौसम जो है वो थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, यानी कि यहाँ पर बादल और धूप दोनों ही रहेंगे, और अधिकतम तापमान 29 से 33 डिग्री पर बना हुआ है, और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 15 से 13 डिग्री पर यहाँ का तापमान बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर का मौसम और तापमान। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, दार्जिलिंग में अगर हम मौसम की बात करें तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चारों ही दिन जो है वो मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ी धूप और थोड़े बादल रहेंगे, और अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहने वाला है। ये हम आपको मौसम और तापमान दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का। और अगले शहर की अगर हम बात करें, नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं, तो मंगलवार को यहाँ पर जो है थोड़ी धुंध रह सकती है, और बुधवार और गुरुवार को यहां पर बारिश हो सकती है, शुक्रवार को भी जो है थोड़ा कोहरा, धुंध रह सकती है, और अधिकतम तापमान की बात करें तो 17 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में यहां का अधिकतम तापमान रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान आप देखें 7 डिग्री से 8
डिग्री पर जो है न्यूनतम तापमान यहाँ का बना हुआ है कोहिमा का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। विजयवाड़ा में मंगलवार से शुक्रवार यानी चारों ही दिन धुंध छाई रहेगी और अधिकतम तापमान जो है वो 34 से 35 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा विजयवाड़ा का मौसम और तापमान का हाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केरला के कोट्टायम की। तो कोट्टायम की अगर हम बात करें तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ी धूप थोड़े बादल रहेंगे और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री चारों ही दिन लगातार 36 डिग्री पर अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर लगातार बना हुआ है। कुछ ऐसा रहेगा कोट्टायम का मौसम और तापमान का हाल जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले शहर का रुख कर लेते हैं महाबलेश्वर का, जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार इन तीनों ही दिन यहाँ पर लगातार जो है वो चटक धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा और शुक्रवार को थोड़ा सा मिला जुला मौसम रहेगा यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 से 33 डिग्री के बीच में बना हुआ है अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री के बीच में यहाँ का तापमान बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके से तापमान और मौसम रहने वाला है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर लेते हैं। खजुराहो का जो मौसम रहेगा वो मंगलवार से शुक्रवार तक धुंध छाई रहेगी यहाँ पर और अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 से 30 डिग्री पर बना रहेगा अधिकतम तापमान खजुराहो का और न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री के बीच में बना रहेगा यहाँ का। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है खजुराहो का मौसम और तापमान जो आप लगातार देख रहे हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं इन प्रमुख शहरों के मौसम और तापमान का हाल। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान के जोधपुर का। जोधपुर में मंगलवार और बुधवार को दोनों ही दिन मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी और गुरुवार और शुक्रवार को जो है मौसम कुछ मिला जुला देखने को मिलेगा, थोड़ी धूप थोड़े जो है बादल रहेंगे और अधिकतम तापमान 27 से 32 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 15 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके से रहेगा मौसम और तापमान का हाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में अगर हम बात करें तो किसानों को इस समय फसल पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हमारे कृषि विशेषज्ञों की बुआई और रोपाई को लेकर क्या कुछ सलाह है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई करें, अभी बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें, बैंगन की रोपाई कर सकते हैं, बैंगन के खेत में सिंचाई भी करें, यहीं टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें, साथ ही लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें, इसके अलावा फूल गोभी बोएं, वहीं के किसान पत्ता गोभी की भी बुआई कर लें। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, यहाँ काबुली चने के खेत की देखभाल करते रहें, इस समय प्याज की रोपाई कर लें, छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें, गेहूं के खेत की देखभाल करते रहें, यहां मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें, मक्के की बुआई करने का सही समय है, इसके अलावा काबुली चने के खेत की देखभाल करते रहें, वहां सूरजमुखी की बुआई करने का सही समय है, छत्तीसगढ़ में केले के बागों में सिंचाई करते रहें, इसी तरह पपीते के बागों में सिंचाई कर सकते हैं, किसान कद्दू की रोपाई कर लें, साथ ही खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें, इसके साथ ही सरसों में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। और चलिए बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे मक्का की। मक्का की गिनती लोकप्रिय फसलों में होती है और बेबी कॉर्न जो है वो इसी का एक रूप है। इसकी आमदनी पूरे साल भर ली जा सकती है। तो हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हो। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है
और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में एक हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में एक हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए एक हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। एक हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। एक हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो आज मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन मौसम खबर आप दोबारा हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और उसके लिए आपको करना ये होगा कि हमारे QR कोड को स्कैन करना होगा। आप अपने TV स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और घर बैठे मौसम खबर दोबारा हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज मौसम खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।